हेलो एवरीवन, वेलकम हियर फ्रेंड्स। आज का हमारा यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 8 है। उसके बाद में एक ही लेक्चर बचा हुआ है, लेक्चर नंबर 9। उसके बाद में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए, आज के हमारे लेक्चर में है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। इसका हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, देखिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अवकलजों का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतर, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए, अगर हमारे पास एफ पी है, ठीक है, एफ पी हमारे पास में है और उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ टी होता है, तो अगर इसको एन टाइम्स डिफरेंशिएट कहते हैं, एफ पी को एन टाइम्स डिफरेंशिएट कहते हैं, तो एफ एन पी हो जाएगा। इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एल इनवर्स डी एन डिवाइड, मतलब एन टाइम डिफरेंशिएशन एफ पी का क्या हो जाएगा, सेम यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, माइनस वन टू द पावर एन इंटू टी टू द पावर एन इंटू एफ टी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे उसको प्रूफ किया गया है, उसका प्रूफ करने के लिए तो ऐसे नहीं आएगा। अब देखिए आगे प्रमेय दूसरा क्या है, समाकलों का प्रतिलोम लाप्लास रूपांतरण, मतलब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। अभी क्या था, डेरिवेटिव्स का था, अभी इंटीग्रल्स का है, ठीक है। तो देखिए, एफ पी का अगर एफ टी मिलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ वी का एफ टी मिलता है, तो उसके इंटीग्रेशन का, इस एफ 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 पी के इंटीग्रेशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एफ टी अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे, रैखिक गुणधर्म, ये तो पता है आपको, इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म वो सैटिस्फाई करता है, रैखिक गुणधर्म को, ठीक है, लीनियर प्रॉपर्टी को सैटिस्फाई करता है। प्रथम स्थानांतरण या स्थानांतरित प्रमेय, ये आप जानते ही पढ़े हैं नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में। परिवर्तन गुणधर्म, ठीक है। अवकलन प्रमेय क्या है, एफ टू द पावर एन पी जो भी पढ़ेंगे हम लोग, इसमें एन टाइम डिफरेंशिएशन पी का, ठीक है, उसके क्या होता है, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म माइनस टू द पावर पावर एन एफ टी। समाकलन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, वन अपॉन टी इंटू एफ टी या फिर एफ टी अपॉन टी। गुणन प्रमेय, अगर पी इंटू एफ पी है उसका एफ डेस टी हो जाता है, और पी टू द पावर एन एफ पी है तो एन टाइम्स ये डिफरेंशिएशन हो जाता है इसका, ठीक है। विभाजन मतलब डिवाइड वाला, ठीक है, इन सब प्रमेय को आपको याद रखना है, अगर आ जाता है तो आपको सॉल्व होना चाहिए, आपसे सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। डिवीजन प्रमेय क्या है, एफ पी अपॉन पी है तो इंटीग्रेशन जीरो टू टी एफ एक्स डी हो जाएगा, और यही पी टू द पावर एन है, एफ पी डिवाइड बाई पी टू द पावर एन है, इसको एन टाइम्स इंटीग्रेशन कहना है, ठीक है, एफ टी का अलॉन्ग्स टू जीरो टू टी। समलन प्रमेय मतलब दो हमारे पास में p का फंक्शन है, ठीक है, दोनों p के फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं तो वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है, f स्टार g के फॉर्म में मिलता है, इसका ही बहुत यूज होने वाला है, और इसका जो बन जाता है f स्टार g का मतलब fx into g t minus x into dx, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे belongs to 0 to t। और ये क्या होता है, ये समलन प्रमेय हो गया, ये हैवी साइड प्रमेय का प्रसार प्रमेय हो गया, ठीक है। एफ पी अपॉन जी पी मतलब फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ जी का, फंक्शन ऑफ पी और फंक्शन ऑफ पी का डिवाइड उसका क्या, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, समेशन ऑफ आर टू वन टू इनफाइनाइट वन टू एन एफ ए आर अपॉन जी डेस ए आर इट इज पावर ए आर टी ए आर जी पी इज इक्वल टू जीरो। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। मेन हमें क्या क्या याद रखना है हम लोग को, अभी फिलहाल अवकलन प्रमेय, समाकलन प्रमेय, गुणन विभाजन को उतना यूज नहीं होगा, लेकिन समवलन प्रमेय इसको बहुत अच्छे से याद रखना, क्या होता है, एफ जी पी इज इक्वल टू एफ स्टार जी, और एफ स्टार जी का इंटीग्रेशन टी टू जीरो टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, एल वन अपॉन पी प्लस ए होल स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम ये याद रखेंगे कि मतलब किसमें वन अपॉन p प्लस ए होल स्क्वायर आता है, तो देखिए 1 अपॉन p प्लस ए को डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन p प्लस ए होल स्क्वायर आता है। देखिए, p प्लस ए को न्यूमरेटर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस ए होल टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो d बाई डी पी तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 टू द पावर माइनस 1 p प्लस ए होल टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन p प्लस ए होल स्क्वायर, इस माइनस को लेफ्ट साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, d बाई डी पी
वन अपॉन पी प्लस ए और ये माइनस में रहेगा और यहाँ पे वन अपॉन पी प्लस ए होल स्क्वायर। देखिए इसके इक्वल में क्या आ गया, इसके इक्वल में माइनस डी बाई डी पी वन अपॉन पी प्लस ए आ गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, माइनस वन डी बाई डी पी वन अपॉन पी प्लस ए। ठीक है, अब देखो इस माइनस को हम पहले बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फर्स्ट डिफरेंशिएशन का कहाँ है, ये ऑकलन। अगर यहाँ पे n टाइम डिफरेंशिएशन तो माइनस वन टू द पावर n t टू द पावर n f t, अगर वन टाइम डिफरेंशिएशन में माइनस वन टू द पावर वन t टू द पावर वन f t, तो ये माइनस t f t आ जाएगा। तो माइनस t और एफ टी, एफ टी किसके बराबर होता है, एल इनवर्स ऑफ एफ पी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए L इनवर्स ऑफ एफ पी, एफ पी के यहाँ पे एफ पी ये था, ठीक है, डी बाई डी पी ये एफ पी होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L इनवर्स एफ पी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर कैसे आया, देखिए इसका माइनस वन टू द पावर वन था, ठीक है, और इससे जो निकला मतलब इसका जब L इनवर्स निकाले, लाप्लास इनवर्स निकाले माइनस वन टू द पावर वन उसमें से निकल गया, और T और L ऑफ L इनवर्स ऑफ एफ पी ये हो जाएगा, तो माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं वन अपॉन पी प्लस ए का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ई टू द पावर माइनस ए टी हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए आगे यहाँ पे है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, इसको भी हम पहले निकाल लेंगे कि इसका इसको डिफरेंशिएट करने पर इतना मिल जाएगा, तो पहले इसको लेते हैं, तो वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं डी बाई डी पी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर में ला लेंगे इसको, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल माइनस वन, तो माइनस वन सामने आ जाएगा और पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर माइनस टू लग जाएगा। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में होगा, तो ये तो जीरो हो जाएगा वैसे भी, और पी के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो टू पी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल गया 2p, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इस माइनस को हम लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो माइनस डी बाई डी पी और यहाँ पे वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा होल टू द पावर वन, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बचा, 2p बचा, तो यहाँ पे 2p अपॉन, ठीक है, 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इस टू को भी लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो माइनस वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, माइनस वन बाई टू डी बाई डी पी वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल है, तो इसके इक्वल में क्या आ गया, माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू डी बाई डी पी डी बाई डी पी और वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार निकला ये। अब देखिए माइनस वन बाई टू को हम पूरे से बाहर निकाल लेते हैं, माइनस वन बाई टू बाहर निकल गया, बचा क्या, फर्स्ट डिफरेंशिएशन विथ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, तो यहाँ पे पी रहेगा, अच्छा पी अपॉन पी, अच्छा ये पूरा हट गया, सिर्फ वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे वन ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो है, जब फर्स्ट डिफरेंशिएशन का हम लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकाले तो क्या मिला हम लोग को, माइनस वन इंटू टी, माइनस वन इंटू टी इंटू एल इनवर्स वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा का पूरा वैल्यू मिल गया, ये पी स्क्वायर है ना। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा, साइन ए टी मिल जाएगा हम लोग को। ठीक है, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस मिल वन बाई टू, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंटू टी न्यूमरेटर में, और वन साइन ए टी को जब इसको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो यहाँ पे a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और a का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि a upon p square plus a square का क्या होता है, sin a t होता है, तो a को मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे a को डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 1t by 2a आ गया, sin a t आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए आगे सेम ऐसे भी सॉल्व करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, p upon p square plus 2 square whole square, सेम वही क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें a square में था, इसमें 2 square में है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे सिर्फ p था और यहाँ पे p square है, उसको सॉल्व करना है हम लोग को, तो सबसे पहले देख लेते हैं, पहले p को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो l inverse of p upon p square plus 2 square whole square का
फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर क्या, 1/2a sin at। तो यहाँ पे t अपॉन 2a sin at, यहाँ पे a क्या है 2 है, ठीक है। तो t by 2 into 2, a की वैल्यू 2 है, 2 into 2 4 हो गया, sin 2t आ गया क्योंकि a की वैल्यू 2 है। इसको हम मान लेते हैं ft, ठीक है। अब f 0 निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है। अब इसके बाद में हम जानते हैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, पी एल एफ t माइनस एफ जीरो होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को हम एज इट इज लिख दिए। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, एल एफ टी की वैल्यू, एल एफ टी की वैल्यू एफ पी के इक्वल होती है, ठीक है, एल एफ टी की वैल्यू एफ पी के इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे पी एफ पी आ गया माइनस जीरो। तो पी एफ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल एफ डेस टी, ठीक है। तो देखिए पी एफ पी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन पी एफ पी इज इक्वल टू एल एफ डेस टी हो जाएगा, ठीक है, एल एफ डेस टी हो जाएगा। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ये एल कैंसिल हो जाएगा तो एफ डेस टी बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा, एल इनवर्स पी एफ पी आ जाएगा, ठीक है। तो एफ पी की वैल्यू क्या है, किसके इक्वल है, एफ पी की वैल्यू पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुका है एल इनवर्स पी एफ पी इज इक्वल टू एफ डेस टी। तो p की वैल्यू, एफ पी की वैल्यू कितनी है, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे p के मल्टीप्लाई पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस फोर होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल है, d बाई डी पी टी डिवाइड बाई फोर साइन टू टी के, क्योंकि एफ टी की वैल्यू किसके इक्वल है, टी बाई फोर साइन टू टी के इक्वल, उसको डिफरेंशिएट करना है, फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करना है, तो डी बाई डी टी आ गया, टी बाई फोर साइन टू टी। इसको फर्स्ट 1/4 को पहले बाहर निकाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे फर्स्ट इसको मान लिया गया, इसको सेकंड मान लिया गया, तो साइन टू टू के एजिट इज लिख दिए, फर्स्ट इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, टी को डिफरेंशिएट किया तो वन आ गया। अब सेकंड, सेकंड टी को एजिट इज लिख दिए, इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, साइन टू टी का डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस टू टी मिल जाएगा, और साथ में टू टू का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे टू मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आ गया 1/4 साइन टू टी प्लस टू टी कॉस टू टी, ठीक है। देखिए आगे, L इनवर्स log p प्लस थ्री अपॉन p प्लस टू ज्ञात कीजिए। मान लो कि f p इज इक्वल टू log p प्लस थ्री अपॉन p प्लस टू, इसको अलग अलग कर p प्लस थ्री माइनस log p प्लस टू। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो f डेस p इज इक्वल टू 1/p प्लस थ्री माइनस 1/p प्लस टू हो जाएगा। अब देखिए इसका हम पहले इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं, तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एल इनवर्स ऑफ एफ डेस पी इज इक्वल टू एल इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 3 माइनस एल इनवर्स ऑफ 1/p प्लस 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 3t, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, ई टू द पावर माइनस 2t, ठीक है, p प्लस 2 इसलिए। तो अब देखिए एफ डेस पी का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, माइनस 1 टू द पावर 1 इनटू t एल इनवर्स एफ पी होता है, ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस थ्री टी माइनस ई टू द पावर माइनस टू टी, ठीक है। तो एफ पी की वैल्यू कितनी है, एफ पी की वैल्यू है लॉग पी प्लस थ्री अपॉन लॉग पी प्लस टू है, और देखिए इसकी माइनस वन को हम राइट साइड ले गए तो क्या हो गया, ये माइनस हुए प्लस हो गया, ये माइनस, तो ई टू द पावर माइनस टू टी पहले लिख लिए और ई टू द पावर माइनस थ्री टी को बाद में लिख लिए, और ये टी था उसको यहाँ पे डिवाइड में ले गए, तो 1/t ई टू द पावर माइनस टू टी माइनस थ्री टी, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा था g प्लस जी स्टार h वाला, देखिए कौन सा क्वेश्चन फॉर्मूला था हमारा, ये वाला, ठीक है, f स्टार g इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स, इसका यूज करेंगे। तो 1 स्टार साइन ए टी का मान ज्ञात कीजिए, एफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जी टी इज इक्वल टू साइन ए टी हो जाएगा। तब समानन प्रमेय क्या हो जाएगा, 1 स्टार साइन ए टी इज इक्वल टू एफ स्टार जी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स हो जाएगा, एफ एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक है, एफ टी की वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी 1 मिलेगी, और जी टी माइनस एक्स की वैल्यू साइन ए टी माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, टी की जगह पे टी माइनस एक्स हो गया। अब इसका जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस ए टी माइनस एक्स, और इसके अंदर जो डिफरेंशिएट करेंगे तो किससे डिफरेंशिएट करना हम लोग को, क्योंकि x से इंटीग्रेट करेंगे तो x से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये तो जीरो हो जाएगा t वाली वैल्यू, तो और a और माइनस x को डिफरेंशिएट करेंगे
ए इंटू माइनस एक्स, मतलब कि माइनस ए एक्स हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट किया एक्स हट गया, सिर्फ माइनस ए बचा, इसलिए यहाँ पे माइनस ए आ गया। ठीक है, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो वन बाई ए को पहले बाहर निकाल दिए, फिर लिमिट पुट कर देते हैं। जब यहाँ पे एक्स जगह पे टी रखते हैं तो कॉस ए इंटू जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो मिलेगी यहाँ पे, और लोअर लिमिट रखते हैं एक्स जगह पे जीरो हो जाएगा तो कॉस ए टी आ जाएगा। ठीक है, और कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, तो वन माइनस कॉस ए टी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 17, इट द पावर टी माइनस स्टार इट द पावर माइनस टी का मान ज्ञात कीजिए। मान लो एफ टी इज इक्वल टू क्या मान लिए, इट द पावर टी ये वाली वैल्यू, और जी टी को इट द पावर माइनस टी। ठीक है, तब समलन प्रमेय से हम रखते हैं इट द पावर टी माइनस ए स्टार इट द पावर माइनस टी, एफ स्टार जी का फॉर्मूला है, तो टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू इट द पावर एक्स और जी टी माइनस एक्स की वैल्यू इट द पावर माइनस टी माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पहले सॉल्व कर लेते हैं, इट द पावर एक्स है इंटू इट द पावर माइनस टी माइनस एक्स है, दोनों एड हो जाएंगे, तो इट द पावर एक्स माइनस टी माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, इट द पावर एक्स माइनस टी प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो टू एक्स माइनस टी, तो इट द पावर माइनस टी को तो पहले बाहर निकाल दिए, और बचा क्या इट द पावर टू एक्स, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इट द पावर टू एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलता है हम लोग को, इट द पावर 2x ही मिलता है अपॉन इट द पावर 2x अपॉन 2 मिलता है। इसमें अपर लिमिट क्या है, t है, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट रखते हैं तो इट द पावर 2t मिल जाएगा। ठीक है, और लोअर लिमिट रखते हैं 1/2 को, तो पहले बाहर निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा दबा देता हूं, देखिए क्या हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन कर दें, इट द पावर माइनस टी बाहर में है, इट द पावर माइनस टी बाहर में है, इसका इंटीग्रेशन किए तो इट द पावर 2x अपॉन, ठीक है, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0। अब देखिए अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देते हैं, तो 1/2 को पहले बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 e to the power minus t और e to the power 2t minus e to the power 2 into 0 हो जाएगा, तो ये 2 into 0 की वैल्यू 0, तो e to the power 0 की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं और e to the minus t को e to the power minus 2t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2t minus t equal to e to the power t मिल जाएगा, और यहाँ पे e to the power minus t मिल जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किए 1 के साथ में, तो e to the power minus t मिल गया, तो e to the power t minus e to the power minus t upon 2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं साइन एच टी के फॉर्म में, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे की वीडियो आपकी अपडेट जो है आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल।